अरे बॉस आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं बॉस? मैं सेट, तुम बताओ बस बॉस, काम कैसा चल रहा है? आपके माल से 4 पैसे मिल जाते हैं और वो भी आपने आजकल रोक रखा हो। बॉर्डर पर फटीके बहुत बढ़ गए हैं करीर। पहले डायरेक्ट जुगाड़ हो जाती थी, माल भी निकल आता था और यहाँ पे कागजात भी बन जाते थे, लेकिन अब हर कोई डरता है। बॉस आप भी ऐसी बात करोगे? अब ऐसी ही बात है कदीर, अब बॉर्डर पार वाले भी बहुत सियाने हो गए, डबल प्राइस मांगते हैं। तो फिर एक चक्कर लगा लें फिर चमन का। हाँ मैं भी यही सोच रहा हूँ, चलते हैं 1.5 हफ्ते में। वैसे आजकल हैवी बाइक्स का सीन बहुत टाइट हुआ हुआ है, अगर तुम कहते हो तो 3-4 उठा लेते हैं। पेपर्स का क्या सीन? पेपर्स बिल्कुल ओरिजिनल जैसे, इंजन नंबर, चेसिस नंबर, सब ओरिजिनल, कोई माई का लाल नहीं पकड़ सकता। इसमें बहुत फायदा है कदीर, एक बाइक पे 8-10 पेटी बन जाता है। हाँ तो फिर आप डन करें, मैं भाई से बात करता हूँ। एक मिनट, तुम्हें कैसे पता लग जाता है कि अभी मैं तुम्हें याद कर रहा था? क्योंकि मैंने आपके पीछे जासूस लगा रखे। Really? मिस्टर शामीर, आज आपने मिलने का प्लान बनाया था? हाँ बिल्कुल, हम मिल रहे हैं आज, लेकिन हो सकता है थोड़ा लेट हो जाए। एक्चुअली मैं अभी पोर्ट पर आया हूँ, हो सकता है मुझे आने में थोड़ी देर हो जाए। अच्छा फिर आज का रहने देते हैं, कल मिलते हैं। चलो ठीक है, कल मिल लेते हैं। कल तो तुम्हारी शूट भी है ना? हाँ तो स्टूडियो आ जाना, वहीं से कुछ प्लान कर लेंगे। ठीक है कल मिलते हैं। ओके टेक केयर, बाय। मेरी पेमेंट रेडी है? रेडी है बस। ठीक है फिर मिलता है। ये जगह, ये शहर मेरे लिए, मेरी बच्ची के लिए महफूज नहीं। किसी भी वक्त जावेद यहाँ आ सकता है, उसका दिल पत्थर है, वो सिर्फ अपने फायदे के लिए सोच सकता है। मुझे यहाँ से कहीं और ही चले जाना चाहिए, किसी दूसरे शहर, कहीं भी, बस जहाँ मेरी बच्ची महफूज हो। लेकिन क्या है मेरी खुद गर्जी नहीं कि जिनकी वजह से आज मैं और मेरी बच्ची जिंदगी में खुश है, उनको छोड़कर मैं चली जाऊं? नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, यहीं रहकर जावेद को बेनकाब करूंगी मैं, चाहे उसके लिए मुझे अपनी जान भी क्यों ना देनी पड़े।